देख सकते हैं, शायद थोड़ा सा आपको विजिबल होगा। काफी सीरियन ड्राइव होने वाली है, अच्छा रहेगा। ये देखिए सनराइज होने वाला है। ऐसा लगा जैसे कहीं पंजाब में आ गए हैं, दोनों तरफ खेत है, सामने पहाड़ है, दिखाओ। ऑन द वे आपको इतना ही प्यारा व्यू मिलेगा, देखिए व्हाट इज सीनिक व्यू इट इज। यहाँ पे तो फोटो शूट होना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स आप, वाओ जस्ट अमेजिंग। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली में ब्रेक लिया है, टी ब्रेक, और यहाँ पे कोई भी एक्चुअली में रेस्टोरेंट आपको सही मिलेंगे नहीं। एक छोटा सा पार्लर था नंदिनी का, तो वहाँ पे हम लोग ने ब्रेक लिया है, ओनली टी ब्रेक। तो मैं प्रिफर करूँगा कि जब आप आएँ यहाँ पे होर्सले हिल, तो अपना खाना पैक करके आएँ। देख सकते हैं आप, जैसे कि बीच में आपको विलेज मिलेंगे, बहुत नैरो रोड्स भी आएंगी, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलाएं आप, एक एडवाइस है। चिंतामणि के बाद में बीच बीच में कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ भी, डेवलपमेंट भी हो रहा है। कुछ जगह इस टाइप की आपको नैरो रोड्स भी मिलेंगी, बट अभी तक का एक्सपीरियंस आई विल गिव फिटनेस, कितना करोगे रेटिंग में? आउट ऑफ 10 शुड बी 8। यस गाइस, मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मिली है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ से राइट है, दिस रोड इज कॉल्ड एज होर्सले हिल्स रोड, और यहाँ से ये ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है। यस 9 किलोमीटर है, 15 मिनट्स दिखेगा, और घाट सेक्शन होने वाला है, छोटा वाला घाट सेक्शन। इट्स अ ट्रीट टू योर आईज, वाओ। फॉरेस्ट सेक्शन एक्चुअली में डिपार्टमेंट है, यस, वेरी मच रिकमेंडेड प्लेस। यू कैन कम फॉर वन डे, यू कैन कम फॉर द स्टे आल्सो। शहर की भीड़ से दूर, अकेले कोने जंगल में।
ब्रेकफास्ट अभी कर रहे हैं, मैं कर चुका हूँ, रियांश और अभी कर रहे हैं। सो कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द फूड हियर। ये जो रिजॉर्ट है वो आंध्र प्रदेश टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है और वापस उसका जो नेम है हरिता रिजॉर्ट है। इस हरिता रिजॉर्ट्स की आपको चेन जो मिलेगी वो आपको लिपाक्षी में, श्रीशैलम में और भी बहुत डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मिलेंगी। तो मैं जो शेयर एक्सपीरियंस जो शेयर करूँगी वो यहाँ का करूँगी। हॉस्टल है इसका, हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे एंड दे वर हैविंग बुफे एंड दे चार्ज 150 पर पर्सन। बट आई रिकमेंड कि आपको आसपास बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे ब्रेक्स के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए। आई रिकमेंड यू कम हेयर अर्ली मॉर्निंग, स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर द प्लेस इज देयर, रीच अराउंड द ब्रेकफास्ट टाइम नियर बाय 9 or 10। और जो द थिंग विच आई लाइक मोस्ट इज कि द टेस्ट वॉज वेरी गुड। हमें ऐसा लगा नहीं हम बाहर आए हैं कैसा होगा खाना, हाइजीनिक है कि नहीं। इट वॉज हाइजीनिक और टेस्ट डेफिनेटली इट्स गुड। आज आप बताओ आपको डोसा कैसे लगा? इट्स रियली वर्थ कमिंग प्लेस, व्हाट अ मेस्मराइजिंग व्यू। कम फॉरवर्ड प्याज, कम फास्ट, इधर से आगे से दिखाएंगे। हम ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश में पहुंच चुके हैं और गली भंडा करके ये एक व्यू पॉइंट है। आई गेस आई शुड से दिस इज द बेस्ट व्यू पॉइंट ऑफ दिस हार्शले हिल्स। हमें गिरोगे प्लेयर बच्चा, ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। एंड आपको पता है इसका नाम हॉस्टले हिल्स क्यों रखा गया था? इसके लिए दो टेल्स हैं, आपको दोनों ही टेल्स बताती हूँ मैं। जो फर्स्ट टेल है वो कहती है कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर था, उसका जो बंगलो था उसके पीछे ये हिल्स थे और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है हॉर्सले हिल्स एंड उस गवर्नर का नेम था हॉर्सले। और एक जो दूसरी टेल है वो कहती है यहाँ के फोर्ट पर एक हॉर्स हुआ करता था विच वॉज गार्डिंग दैट फोर्ट, नो बडी कुड हैव अटैक्ड दैट फोर्ट और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया हॉर्सले हिल्स। देखिए आप व्यू पॉइंट पहाड़ पे आए, देखो हॉर्सले हिल्स आए। अच्छी दिखाओ, व्यू दिखाओ। थोड़ी देर पहले यहाँ पर फॉग था, अब धूप हो गई है, हल्की हल्की धूप हो गई और ठंडी बहुत हो रही है मेरे लिए। तो ये देखो ये कैसे ले वीडियो बना, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा इस व्यू पॉइंट का। रियांश व्हाट इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन? जू। अब रियांश की डिमांड पे हम जू जा रहे हैं। चले चले, मिलते हैं जू में। जू में आ गए, यहाँ पे एंट्री टिकट है एडल्ट्स के लिए और ये जो जू है वो मैनेज्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और ये रहा टिकट। और 1 kilometer में कवर कर सकते हैं आप। इट्स वॉकेबल डिस्टेंस, व्यू पॉइंट भी जा सकते हैं और जू भी जा सकते हैं। एक और व्यू पॉइंट है वहाँ पर भी जा सकते हैं। सो यू कैन वॉक अराउंड विद इन 1 kilometer एंड यू कैन एक्सप्लोर ऑल द एरियाज। आइए आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं। ये एक सेकंड व्यू पॉइंट है, ये एक सेकंड व्यू पॉइंट है। जू के अंदर से ही निकल करके हम लोग आ रहे हैं। यहाँ जाओ,
जो यहाँ के ब्रिटिश गवर्नर थे W.H. Horsley, उन्होंने प्लान किया था 1859 में. दिस इज द ओल्डेस्ट यूकेलिप्टस ट्री. हम लोग बहुत जगह गए हैं साउथ इंडिया में, केरला भी कवर करा है, आंध्रा भी कवर करा है और तमिलनाडु भी, बट ऐसे इतना बड़ा यूकेलिप्टस ट्री कहीं नहीं मिला. जनरली आई एम टेलिंग यू, इस जू की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, लश ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं, पूरा ग्रीन है. एंड इवन जो वेदर है, इट इज 1 o'clock ऑलमोस्ट इन द आफ्टरनून, बट स्टिल यू फील लाइक कि एक छोटा सा एक जैकेट हो तो उसको लिया जाए. द वेदर इज लाइक दिस. वन मोर गुड थिंग ऑफ दिस जू इज आपको किड्स एरिया मिलेगा वेयर दे कैन गो एंड एंजॉय. यहाँ पे स्विंग है, स्लाइड है, सीसो है, इवन दैट साइड ऑल्सो वन मोर एरिया इज देयर. दे कैन गो एंड एंजॉय एंड स्पेंड टाइम एंड यू कैन जस्ट रिलैक्स. नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय. टारगेट 1 लाख.